नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले कई वीडियो बनाया हूं और कल भी वीडियो बनाया था और आप सबको बताया था अंकिता सिंह केस में क्या न्यू अपडेट आया था, किस प्रकार से नीतू झा के ऊपर FIR हुआ है, प्रिया सिंह के ऊपर FIR हुआ है, दोनों फरार बताई जा रही हैं। अंकिता सिंह के बाप के ऊपर भी FIR होने ही वाली है या हो जाएगी, लेकिन ये सब को लेकर के कुछ कमेंट्स आ रहा था। कुछ अंधभक्त टाइप के लोग बोल रहे थे कि नीतू झा और प्रिया सिंह दुमका में ही है, कहीं कोई नहीं भागा हुआ है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि कमेंट्स करके ये बताने हमसे या कमेंट्स करना किसी भी वीडियो में कि प्रिया सिंह या नीतू झा दुमका में ही है, इससे अच्छा कि आप लोग दुमका प्रशासन से संपर्क कीजिए और एड्रेस दे दीजिए कि प्रिया सिंह और नीतू झा कहाँ पर है, क्योंकि दुमका प्रशासन तो ढूंढ रहा है, लगातार छापेमारी जारी है, दबिश जारी है, लेकिन उन लोगों का पता नहीं है, दोनों फरार हो चुकी हैं। तो यदि आप सबको पता है कि नीतू झा और प्रिया सिंह दुमका में ही है और कहाँ पर हैं, तो आप लोगों से विनती है कि दुमका प्रशासन से जल्द संपर्क करके प्रिया सिंह और नीतू झा का एड्रेस दीजिए, क्योंकि पुलिस परेशान है, कई दिनों से दबिश जारी है, खोजबीन चालू है, लेकिन ये दोनों जो लास्ट पर राजनीति करती थी, दोनों धूम दबाकर कहीं फरार हो गई हैं। और दो तीन क्वेश्चन और है उन्हीं अंधभक्तों से जो ये बोल रहे हैं कि शाहरुख को बचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं विनय दुबे, निशांत वर्मा, ये लोग शाहरुख को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, खुद विनय दुबे भी ये आकर बोलते हैं कि हम लोग किसी के बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम लोग अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हैं, न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोषी जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा, अगर शाहरुख दोषी होगा तो उसको फांसी होगी, शाहरुख निर्दोष होगा तो छूट जाएगा, वो तो कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा और जो भी कोर्ट निर्णय सुनाएगा सबको मान्य होगा। लेकिन दो तीन सवाल है जो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से राजनीतिक माहौल पूरा बनाकर यहां पर और पूरे दुमका शहर का माहौल खराब करने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। और पुलिस का ये बयान है कि जब नीतू झा और प्रिया सिंह गिरफ्तार होंगी तो सबसे पहले उनका फोन का जो व्हाट्सएप चैट है वो खंगाला जाएगा, क्योंकि पुलिस को शंका है कि जो लोग मारुति कुमारी जो लड़की को जलाकर मार दिया गया था उसके सिरफिरे आसिक के द्वारा उसकी लाश को ले जाकर जिस प्रकार से दुमका और भागलपुर का हाईवे जाम किया गया था, पुलिस को आशंका है कि जो भीड़ थी वह दुमका की नहीं थी, दुमका के बाहर से बुलाई गई थी। और पुलिस को यह भी आशंका कि ये लोग बिहार से आए हुए थे नीतू झा के बुलाने पर। यदि नीतू झा बेकसूर है तो भागने की क्या जरूरत है, पुलिस प्रशासन के पास जाओ और अपनी बेगुनाही सबूत मतलब साबित करो वहां पर। लेकिन नीतू झा, प्रिया सिंह और यहां तक कि पूरे बीजेपी की टीम को पता चल चुकी है इनकी कि हमारी अब हकीकत जनता के सामने आने वाली है, पब्लिक के सामने आने वाली है, इसके लिए ये दोनों धूम दबाकर भाग चुके हैं और पूरी बीजेपी की टीम इन दोनों केस से अब पीछे हटना शुरू हो गई है। यही बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के दिग्गज नेता हैं, शाहरुख के मामले में फेसबुक पोस्ट किए थे और शाहरुख का तार आतंकवादियों से जोड़ दिए थे, जो कि बांग्लादेश में एक आतंकवादी संगठन है जो लोगों की हत्या करता है, उससे शाहरुख का तार जोड़ दिए थे बाबूलाल मरांडी जो कि उतना बड़ा नेता है। अब उन्हीं के पार्टी की दो नेत्री नीतू झा और प्रिया सिंह के ऊपर भी FIR हो चुकी है और गंभीर धाराओं में 8 धारा लगा करके FIR दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ट्वीट कोई पोस्ट बाबूलाल मरांडी का नहीं आया है। क्या आप भी वो पोस्ट करेंगे फेसबुक पर आकर कि नीतू झा
और प्रिया सिंह का किससे कनेक्शन है और किस लिए भीड़ जुटाकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी? अभी तक कोई पोस्ट नहीं आया है, पूरी तरीके से पीछे हट गए हैं बाबूलाल मरांडी। और वही हाल मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे का भी है। निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी को दिल्ली से हेलीकॉप्टर पर बैठ कर आते हैं, जहाज पर बैठ कर आते हैं और 28 लाख रुपए का चेक देते हैं अंकिता सिंह के फैमिली वालों को। लेकिन सेम केस में दिल्ली से कोई जहाज नहीं उड़ता है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ती है, कोई चेक नहीं आता है दिल्ली से कि उस मारुति कुमारी के परिवार को भी दी जाए। क्यों भाई? अंकिता सिंह इस देश की बेटी है, दुमका की बेटी है, वह पीड़ित है, उसकी मौत हुई है, उसको 28 लाख रुपए की आप लोग मदद करते हैं और तीन तीन भारतीय जनता पार्टी के सांसद कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं और जल्द से जल्द शाहरुख को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हैं। पूरे बीजेपी की टीम रोड पर आ जाती है, लेकिन मारुति कुमारी के घर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? यहां पर एक समझने वाली बात है कि जो अंकिता सिंह का आरोपी है यह मुसलमान है, उसका नाम शाहरुख है। जो मारुति कुमारी का आरोपी है वह हिंदू है, उसका नाम राजेश है। अगर उसका नाम भी रहमान रहता तो वहां पर भी बीजेपी पार्टी 28 लाख रुपए की चेक लेकर जाती, वहां पर भी मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा जाते, वहां पर भी फांसी की मांग होती, वहां पर भी हिंदू संगठन जाता, वहां पर बीजेपी की पूरी टीम जाती। लेकिन वो निकल गया हिंदू। अब इन लोगों तो केवल राजनीति करना है हिंदू मुसलमान का, तो क्यों जाएंगे वहां पर मारुति कुमारी के केस में? क्यों पोस्ट करेंगे बाबूलाल मरांडी कि राजेश का भी लिंक आतंकवादियों से है जो बांग्लादेश में लोगों की हत्या करता है? तो यहां पर समझने वाली बात है कि किस प्रकार से राजनीति हुई है। दोनों केस सेम है, अंकिता सिंह को भी उसके आशिक ने पेट्रोल छिड़ककर जला दिया था और इलाज के दौरान रांची रिम्स में ही मौत हो गई थी। मारुति कुमारी का भी उसका आशिक उसको पेट्रोल छिड़क कर जलाता है और मारुति कुमारी की भी रांची रिम्स में ही मौत होती है। अंकिता सिंह के घर बीजेपी के तीन दिग्गज 28 लाख रुपए का चेक लेकर जाते हैं और देते हैं और उसके परिवार से मिलते हैं और शाहरुख की फांसी की मांग करते हैं, लेकिन मारुति कुमारी के घर नहीं जाते हैं। उसके घर कोई 28 लाख रुपए का चेक नहीं जाता है, उसके घर बीजेपी के ये तीन दिग्गज नेता नहीं जाते हैं। शाहरुख की फांसी की मांग करते हैं लेकिन राजेश की फांसी की मांग नहीं करते हैं। बाबूलाल मरांडी का फेसबुक पोस्ट नहीं आता है जिसमें यह बताया गया हो कि राजेश का भी आतंकवादियों से लिंक है जो बांग्लादेश में लोगों की हत्या करता है, लेकिन नीतू झा और प्रिया सिंह अपनी चेहरा चमकाने के लिए, केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, क्योंकि अंकिता सिंह वाले केस में तो बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने फोकस खींच लिया था अपनी तरफ, पूरे तरीके से जनता का और मीडिया का भी, उनको यहां पर अपना चेहरा चमकाने का मौका मिला नहीं था अच्छी तरीके से। मौका मिल जाता है मारुति कुमारी वाले केस में, क्योंकि उस वहां पर तो कोई बीजेपी का दिग्गज नेता जाता ही नहीं है। तो जो यह कसर रह गई थी अंकिता सिंह वाले केस में, उस कसर को निकालने के लिए नीतू झा और प्रिया सिंह बाहरी लड़कों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा करती है, उसके परिवार को बहला फुसलाकर उसके लाश को ले जाकर चौक चौराहे पर रख करके सड़क को जाम करती है, माहौल खराब करने की कोशिश करती है और इस वजह से उसके ऊपर केस दर्ज है और वो भाग भाग के फिर रही है। और जो भी भाई कमेंट्स करके हमको बता रहे हैं कि कोई कहीं भागा नहीं है, सब लोग दुमका में ही है, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द दुमका प्रशासन से संपर्क करें और नीतू झा प्रिया सिंह का एड्रेस बताएं, क्योंकि पुलिस बहुत परेशान है उनके स्वागत करने के लिए। और मैं बता दूं कि बहुत जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी भी होगी और उम्मीद है कि दिवाली जेल में मनेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी न्यूज के लिए, ऐसे ही और हम बीजेपी और उसके आरएसएस और उसके घटिया सोच वाले नेताओं की पोल को खोलते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद।